हेलो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल अवेयरनेस सीरीज़ का पार्ट थ्री इससे पहले हमने पार्ट वन पार्ट टू करा था पार्ट वन पार्ट टू जिसको देखना होगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप वहाँ से देख सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं स्पेशली मैं बात करूँ तो जैमिल्लामी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन दी आर टी एक्ट वॉज इक्टेड इन विच ईयर तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी टू थाउजेंड नाइन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू वेन वॉज इंडियन स्टेट्स रिकोगनाइज based ऑन लैंग्वेज तो इसका जो करेक्ट आंसर है फिफ्टी टू का वो है सी नाइनटीन फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री लोधी डेंसिटी वॉज एंडेड बाय दी डेथ ऑफ तो फिफ्टी थ्री का जो करेक्ट आंसर है वह है ए इब्राहिम लोधी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज रिटर्न बाय तो फिफ्टी फोर का जो करेक्ट आंसर है वो है सी चंद्र चैटर्जी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर एंटेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ तो फिफ्टी फाइव का जो करेक्ट आंसर है वो है डी इंसेक्ट। क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स गांधी जी लॉन्च नॉन कॉपरेशन मोमेंट इन तो इसका करेक्ट आंसर है किस ईयर में नाइनटीन ट्वेंटी ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया प्रोवाइड टेन परसेंट रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसको हम ई डब्ल्यू एस बोलते हैं ऑफ सिटीजन ऑफ जनरल कैटेगरी इन गवर्नमेंट जॉब तो ये जो अमेंडमेंट हुई है ये अमेंडमेंट हुई है वन जीरो थर्ड अमेंडमेंट में जो है रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट करी गई है वो करी गई वन जीरो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इससे पहले वन जीरो टू हुई हुई है तो वन जीरो टू जो रिलेटेड है वो है एन सी बी सी से रिलेटेड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस और ऐसे ही 101 जीरो वन रिलेटेड है जी से रिलेटेड ये भी आपको याद रख लेना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 58 टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल 58 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 59 नाइन हु इज़ द फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया तो 59 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी वी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज तो इसका करेक्ट आंसर है सी पी यू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन वट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ड्यूरिंग विच पार्लियामेंट मे नॉट मीट इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सिक्स मंथ ठीक है एट मोस्ट सिक्स मंथ से ज़्यादा जो है टू सेशन में जो है पार्लियामेंट में गैप नहीं होना चाहिए ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व ऑन तो सिक्सटी टू का जो करेक्ट आंसर है वो है सी टेंथ ऑफ दिसंबर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री रेलवे कोचेस आर मेड इन द लार्जेस्ट नंबर एट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री सिचुएटेड इन तो सिक्सटी थ्री का करेक्ट आंसर है ए कपूर कपूरथला क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर बी सी रॉय अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ ये जो अवार्ड दिया जाता है ये दिया जाता है मेडिकल रिलीफ में सोशियो मेडिकल रिलीफ में तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी मेडिसिन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द रेड प्लानट तो इसका जो करेक्ट आंसर है सिक्सटी फाइव का वो है बी मार्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स द फंडामेंटल राइट विच हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट तो 66 सिक्स का जो करेक्ट आंसर है वो है डी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन डी फिफ्टींथ परसेंटाइल इज ऑल्सो नोन एज तो सिक्सटी सेवन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी मीडियन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ तो एट का जो करेक्ट आंसर है वो है सी टंगस्टन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन विच वन इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसमें से जो मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का नहीं है तीन पॉइंट्स होते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है और पर कैपिटल इनकम भी होता है तो इसमें से जो गलत है वो है डी एडल्ट लिटरेसी रेट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन दी वर्ल्ड वॉस तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी एनिक तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक एन स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटर ए स्टैंड फॉर एंड सी स्टैंड फॉर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन दोल्ड माइंस एट कॉलर इज लोकेटेड इन तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है सी कर्नाटका क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू रेलवे स्टार्टेड वर्किंग इन इंडिया तो सेवनटी टू का जो करेक्ट आंसर है वो सी एटीन फिफ्टी थ्री क्वेश्चन नंबर सेवनटी थ्री वंदे मातरम वॉज फर्स्ट इन तो इसका करेक्ट आंसर है डी आनंद मठ क्वेश्चन नंबर सेवनटी फोर हु अमंग द फॉलोइंग इज द स्पीकर ऑफ द सेवनटीन लोकसभा तो सेवेंटी फोर का करेक्ट आंसर है ए, ओम बिरला क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव वेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड तो इसका करेक्ट आंसर है बी सेवन अप्रैल क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स विच गेम इज डेविस कप एसोसिएटेड विथ तो इसका करेक्ट आंसर है ए टेनिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू तो सेवेंटी सेवन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी उड़ीसा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद स्टडी ऑफ लो टेम्परेचर इज तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी थर्मोडाइनमिक्स क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट नाइन न्यूट्रॉन वास डिस्कवर्ड बाय तो इसका करेक्ट आंसर है सी जेम्स चैडविक क्वेश्चन नंबर एटीन द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज तो इसका करेक्ट आंसर है ए हाइड्रोजन क्वेश्चन नंबर एटी वन नॉर्मल हार्ट बीट इज तो आप इसको जो है सेवनटी टू पर मिनट टिक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर एटी टू क्लोरिया इज कॉज बाय तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए बैक्टीरिया क्वेश्चन नंबर एटी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिगार्डिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तो एट्टी थ्री का जो करेक्ट आंसर है वो है सी क्योंकि आर्टिकल फोटीन है राइट टू इक्वालिटी इक्वालिटी बिफोर दे लो इक्वालिटी आफ्टर दे लो आर्टिकल फिफ्टीन जो है वो है प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज रिलीजन कास्ट तो आर्टिकल फिफ्टीन भी नहीं हुआ सिक्सटीन इसका करेक्ट आंसर है ठीक है और आर्टिकल सेवनटीन जो है वो है एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी तो तीनों आर्टिकल है ही नहीं तो इसका मतलब आर्टिकल कौन सा इसका आंसर है सही सी सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर एटी फोर अकॉर्डिंग टू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ इंडिया जुवेनाइल इज़ अ चाइल्ड हु इज़ इसका जो करेक्ट आंसर आप इसमें लिख सकते हो वो लिख सकते हो बिलो 18 ईयर्स लेकिन अगर हम बात करें जो नए बिल की तो उसमें अगर माइनर की एज 16 टू 18 है उसको अडल्ट माना जाएगा अगर वो कोई ऐसा हीनस क्राइम अटैम्प्ट करता है तो ठीक है वो क्या माना जाएगा एडल्ट माना जाएगा अगर वो उसकी एज सिक्सटीन टू एटीन भी है तो भी क्वेश्चन नंबर एटी द आइडिया ऑफ़ बेसिक एजुकेशन इज प्रोपाउंडेड बाय तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी महात्मा गांधी क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स हु कंसिडर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज एज वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो इसका जो करेक्ट आंसर है एटी सिक्स का वो है ए बी आर अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर इसका करेक्ट आंसर ए क्वेश्चन नंबर एटी एट विच वन ऑफ द फॉलोविंग प्लेस गेट्स द लीड्स रेनफॉल तो इसका भी एटी एट का करेक्ट आंसर क्या है सी ले क्वेश्चन नंबर एटी नाइन दाइएस्ट वीट फॉर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह डी उत्तर प्रदेश क्वेश्चन नंबर एटी सॉरी क्वेश्चन नंबर नाइनटी हीरा कुंड प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन तो इसका करेक्ट आंसर है बी उड़ीसा क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन इन्वेंटर ऑफ डब्ल्यू 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 इज टिम बैनर ली तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू आई एस आर ओ इज ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तो करेक्ट आंसर इसका है बी जर्नलिस्ट हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पद्म भूषण वॉज तो इसका करेक्ट आंसर है नाइन्टी थ्री का बी खुशवंत सिंह क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर इंटरनेशनल वोमेन डे इज ऑब्जर्व ऑन तो इसका करेक्ट आंसर है एट्थ ऑफ मार्च क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव दि हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन ईयर तो इसका करेक्ट आंसर है बी नाइनटीन ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स वेयर इज साल जंग म्यूजियम सिचुएटेड इन इंडिया तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी हैदराबाद क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन हुज द फर्स्ट वामेन इन स्पेस तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी वैलेंटाइन टेरस्को क्वेश्चन नंबर चावेस एट दी प्रेजिडेंट ऑफ इसका करेक्ट आंसर है डी वेनिजोला क्वेश्चन नंबर 99 नाइन ड्यूरिंग विच इंटरनेशनल वॉर द रशियन रिवोल्यूशन टुक प्लेस तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए वर्ल्ड वॉर टू क्वेश्चन नंबर हंड्रेड वट डज सी डी रोम स्टैंड फोर तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मैमरी तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमरी थे ये था हमारा जो है जर्नल अवेयरनेस सीरीज का पार्ट थ्री थैंक यू